Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the first chapter of history and the name of the chapter is What, Where, How and When. And under this chapter we were discussing in the previous class about the movement of the people. In ancient time there were so many obstructions in the movement of the people, like there was lack of any mode of transportation, like there was no trains or the motor car or buses, nothing was there. Roads were also not there, rails were also not there. Still people used to travel from one place to another. And we have also discussed about the reason why people used to move from one place to another. आखिर लोग क्यों move करते थे एक place से दूसरे place में? What were the reason behind this movement of the people from one place to another? And we have also discussed the consequence of movement of the people. When people used to move from one place to another place, what was the impact of this movement? As we have seen that we have discussed that when people move from one place to another, it's not only the movement of the people. Actually, it is the movement of the ideas. Whatever thoughts, whatever ideology, whatever thinking is prevailing in the mind of a person, that also moves from one place to another with the movement of the person. ठीक है, तो आइडियाज भी मूव करते हैं. एंड व्हेन आइडियाज मूव तो क्या होता है कि नई जगह पर जाते हैं हम और उस नई जगह पे हमें कुछ न्यू आइडियाज मिलते हैं, न्यू आइडियाज दिखते हैं. तो फिर हम क्या करते हैं, उन न्यू आइडियाज को भी हम अपने साथ मिला लेते हैं, है ना, मिंगलिंग हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड मिंगलिंग. जो हमारे साथ है पुरानी चीजें, पुराने आइडियाज, they get mixed up with the new ideas, है ना. तो जो पुराने ideas है वो new ideas के साथ mixed up हो जाते हैं और इस तरह से एक बिल्कुल ही नया idea, unique idea जो है वो create होता है. तो इस तरह से क्या होता है, हमारे culture का enrichment होता है. जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लोगों के रहने का तरीका, like music, वो कुछ डिफरेंट ही म्यूजिक प्ले करते हैं, कुछ डिफरेंट ही तरीके से गाते हैं, कुछ डिफरेंट ही टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे यूज. तो ये चीजें जब हम देखते हैं और अपने साथ हम अपने जो हमारे म्यूजिक के रिगार्डिंग जो भी हमारे आइडियाज है उसको भी हम कैरी करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, नई चीजों को मिला करके पुरानी चीजों के साथ एक नया म्यूजिक क्रिएट करते हैं. तो इससे क्या होता है, दिस एनरिचेज आवर कल्चर. ये हमारे कल्चर को एनरिच करता है. एनरिच करना मतलब कल्चर जो है वो हमारा ज्यादा फुल ऑफ डाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं इसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, नई नई चीजें आ जाती हैं, कुकिंग के नए आइडियाज हमें आ जाते हैं जब हम न्यू प्लेस पे जाते हैं. जैसे कि अगर सपोज करो मोमो, वी ऑल लव टू ईट मोमो ना, एंड ये मोमो बिलोंग टू विच प्लेस ओरिजिनल, इट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक सिक्किम, मेघालय, असम, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहीं का ये ओरिजिनल फूड आइटम है मोमो. तो जब ये फूड आइटम नॉर्थ में पहुंचता है तो हम उसको बहुत पसंद करते हैं, वी लव इट. लेकिन देन व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर उसमें एक नया वेरिएशन आ जाता है नॉर्थ में मोमो में. क्या वेरिएशन आता है कि नॉर्थ में जो खाने, जो स्नैक्स आइटम्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली फ्राइड, डीप फ्राई करके. जैसे हम लोग नॉर्थ में जो स्नैक्स के आइटम में मोस्टली क्या होते हैं, फ्राइड वाले होते हैं, जैसे समोसा, है ना, वी लव टू ईट समोसा. इन नॉर्थ इंडिया समोसा बहुत ज्यादा होता है, चलता है. ऐसी और भी चीजें जो डीप फ्राई पकौड़ेज, है ना, पकौड़ा जो होते हैं वो सभी डीप फ्राई वाली चीजें होती हैं. तो जब मोमो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ में पहुंचता है तो जो मोमो स्टीम्ड होता था नॉर्थ ईस्ट का, यहां पहुंच करके हम स्टीम्ड तो खाया हमने मोमो, बट उसमें हम एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया. क्या एलिमेंट ऐड कर दिया, उस मोमो को हमने फ्राई कर दिया, डीप फ्राई कर दिया. तो क्या हो गया, मोमो का एक न्यू वेराइटी हमें मिल जाता है.
है ना। तो ये जो न्यू वैरायटी ऑफ मोमो हमें मिलता है, इससे क्या हुआ, हमारे खाने के जो आइटम्स हैं वो बढ़ गए। अब दो तरह के मोमो हैं, स्टीम्ड मोमो और फ्राइड मोमो। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एनरिचमेंट ऑफ आर कल्चर, है ना। ये हमारा कल्चर इससे एनरिच हो रहा है। अब जो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग हैं, जब वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर वो मोमो का वो वेरिएशन देखेंगे, जब वो यहाँ पर फ्राइड मोमो खाएंगे तो उन्हें लगेगा कि ये, अगर उन्हें हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा लगे, तो फिर वो क्या करेंगे, जब वो अपनी जगह पर जाएंगे तो वहां पर भी उसको वो ट्राई करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, दिस इज मिंगलिंग, जो मिलना हुआ, मिक्सिंग हुआ। स्टीम्ड मोमो इज मिक्सड विद द ट्रेडिशन ऑफ फ्राइंग द फूड आइटम्स, एंड जब उस ट्रेडिशन के साथ वो मिलता है तो एक टोटली न्यू वेरिएशन ऑफ मोमो इज क्रिएटेड, दैट इज फ्राइड मोमो। तो दिस इज द एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर, है ना। तो जब भी मूवमेंट होता है, वेन एवर वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट लीड्स टू एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने एक और चीज देखा था कि इंडिया का जो दो नाम है हमारी कंट्री का, एक तो इंडिया नाम है, दूसरा भारत भी नाम है, ये नाम कैसे पड़े। किसी भी जगह का जो भी नाम होता है ना, उसके पीछे सम रीजन मस्ट बी देयर कि उसका वही नाम क्यों पड़ा। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही आर्बिट्रेरली हो जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीजन होता है, तभी ये बनता है। और हमने देखा था जो ग्रीक्स और जो इरानियंस इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, उन्होंने इंडस रिवर को वो क्या कहते थे, दे यूज टू कॉल इंडस रिवर एज इंडोज और हिंडोज, है ना। इंडस रिवर जो कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, मैंने कल भी बताया था ना कि जो इंडस रिवर है उसका 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में फ्लो करता है एंड 2/3 पार्ट फ्लोज इन दैट पाकिस्तान, है ना। तो जो इंडस रिवर है वो हमारा आता है, कहाँ से आता है, इंडिया से फ्लो करके पाकिस्तान में जाता है। अब वो जो इरानियंस एंड ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से आए, उन्होंने इस इंडस रिवर के जो ईस्ट में पोर्शन था उसको उन्होंने क्या बुलाना शुरू किया, उसको उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इंडिया, ठीक है। तो इंडस रिवर के ईस्ट वाला पोर्शन को उन्होंने इंडिया बुलाना शुरू किया और इस तरह से इंडिया का नाम पड़ता है। एंड वन मोर नेम इज देयर, भारत। अब ये भारत नाम कैसे पड़ा, इसके लिए भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी ओल्डेस्ट जो क्रिएशन है ना, दैट इज सबसे ओल्डेस्ट क्रिएशन संस्कृत में जो है, दैट इज ऋग्वेदा। इस ऋग्वेदा में हमें भारत ग्रुप ऑफ पीपल जो कि भारतवंशी, भारत डायनेस्टी के लोग थे, उनके बारे में मेंशन मिलता है। और उन्हीं भारत जो डायनेस्टी के लोग थे उनके नाम पर ही इसका नाम, हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि How do we know about the past? Past जो कि खत्म हो चुका है, which is not existing, है ना? Still we are able to know about the past. How we know about the past? Okay? How do we know? About the past. हमें कैसे पता चलता है past के बारे में? तो there are so many sources, बहुत सारे sources होते हैं जिनसे हमें past के बारे में पता चलता है। इसमें जैसे क्या होता है कि पहले समय में जिस time की हम बात कर रहे हैं, ancient time की बात कर रहे हैं, आज से 4000 years ago, आज से 5000 years ago, तो उस समय में paper was not invented, है ना? ना तो paper था, ना pen था, ना ink था, nothing was there, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो थे वो अपने लोगों के पास लैंग्वेज था, है ना। पीपल यूज टू स्पीक सम और दी अदर लैंग्वेज, न सिर्फ बोलते थे बल्कि वो लिखते भी थे, और कोई ना कोई तरीका अपना के वो लिखते थे। पेपर और पेन के नहीं होने के बावजूद दे यूज टू राइट, क्या चीज पे लिखते थे, वो पत्तों पे लिखते थे। जो पेड़ होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो
ट्रीज होते हैं उनके उनके पत्तों पे लिखते थे, पाम लीफ पे लिखते थे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी ट्रीज थे जो कि बर्च, जिसको बर्च कहते हैं, उसके बार्क पे लिखते थे। तो पेपर की तरह क्या यूज करते थे? व्हाट वाज यूज्ड बाय पीपल एज पेपर? पीपल यूज्ड पाम लीफ, people used palm leaf and other than this palm leaf they also used bark of a tree known as birch, ठीक है। तो जो birch नाम का tree था उसके बार्क पे, उसकी छाल पे, जो बड़ा सा मोटा सा जो ट्रंक होता है ट्री का, उस ट्री का जो बार्क होता है उस पे भी दे यूज टू राइट, ठीक है। और ये जो ये ट्री है, बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बार्च, इट यूज टू ग्रो इन हिमालयस, ये हिमालयस में ग्रो करता था, ठीक है। तो अब इससे वो कैसे लिखते थे, जैसे पेड़ जो होते हैं ना, टहनी स्टेम छोटे छोटे, उनसे वो लिखते थे। नेचुरल इंक होता था जिसको यूज करके वो उस पर लिखा करते थे, है ना। बट इन इस तरह के जो पाम लीफ पे लिखे हुए होते थे, चीजों को लिखने का जो तरीका होता था, इसको हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, मैन्यू प्लस स्क्रिप्ट, अब इसमें एम ए एन यू, मैन्यू का क्या मतलब हुआ, मैन्यू का मतलब होता है हैंड, है ना, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन थिंग्स, जो जो चीजें लिखी जाती है उसी को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हैंड से रिटन जो चीजें होती थी उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, पाम लीफ पे और बर्च के बार्क पे पीपल यूज टू राइट, और जिसको कि हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बट इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, कि ये लीफ पे बना हुआ है ना, लीफ पे लिखा हुआ है, बार्क पे लिखा हुआ है, तो इसमें ना मॉइस्ट होता है, पूरा ड्राई तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं मॉइस्ट होता है। तो फिर जब मॉइस्ट होता है तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं, इंसेक्ट्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो जो लीफ और बार्क पे जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, उनको बहुत मुश्किल से हम देख पाते हैं, बच पाते हैं, वो प्रिजर्व नहीं हो पाते, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स जो है वो उनको खाने लग जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे एंशियंट टाइम के लिखे हुए, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, लेकिन उसमें से कई सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको या तो इंसेक्ट्स ने खा गए, खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, तो उनको हम देख ही नहीं पाए, उनके बारे में हम जान ही नहीं पाए। लेकिन स्टिल मैनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो सर्वाइव किए हुए हैं, उनको वो हमारे सामने हैं, दे आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, उनको टेम्पल में और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व किया गया है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारे लिए, जो कि टेम्पल और मोनेस्ट्री, टेम्पल तो आप जानते हो, मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं, मोनेस्ट्रीज यू विल कम टू नो अबाउट इट, अभी मैं जस्ट इसके बारे में बता दे रही हूँ, मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं। मोनेस्ट्रीज आर दोज प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज टू लिव, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उसी को हम ये कहते हैं मोनेस्ट्रीज। तो इन मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में हमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिले, बुक्स के फॉर्म में मिले, इनमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है एंशियंट टाइम की। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखे हुए ये बुक्स हैं, लाइक रिलीजियस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे,
रिलीजियस बिलीव्स थे उस पर बुक्स लिखे हुए हैं, देन किंग्स के लाइफ्स पे लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मेडिसिन पे लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, साइंस पे लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो इस तरह से ये जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं एंशियंट टाइम के बारे में, है ना। एंड दीज वर रिटन इन संस्कृत। ओके, व्हाट इज द लैंग्वेज used in these manuscript? The language is Sanskrit, and some were written in Prakrit as well, some were written in Tamil as well. तो इस तरह से different languages में लिखे हुए हमें दिखते हैं, जिनको कि पढ़ कर के जिनसे हम ancient time के बारे में बहुत सारी बातों को जान पाते हैं, है ना। तो ये manuscripts हमारे लिए एक बहुत ही important source है हिस्ट्री को जानने का, पास्ट के बारे में जानने का। एंड अदर देन दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। मैन्युस्क्रिप्ट इज जस्ट वन अमंग द डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच वी नो अबाउट द पास्ट। अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, वॉट इज इंस्क्रिप्शन? अब हम देखेंगे कि जो अनदर सोर्स है थ्रू विच वी नो अबाउट द पास्ट, दैट इज इंस्क्रिप्शन। वॉट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन भी राइटिंग मटीरियल्स ही है, ये भी वही चीज़ है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हमने क्या देखा, एक बुक के फॉर्म में होता है जिसमें सॉफ्ट सरफेस पे हैंड रिटन चीज़ें होती हैं। तो अब इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं दीज आर आल्सो राइटिंग्स, है ना, बट दीज राइटिंग्स आर ऑन हार्ड सरफेस। जैसे कि पाम लीफ तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, लेकिन इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो जो लिखे जाते हैं बहुत ही हार्ड सर्फेस पे लिखे जाते हैं, लाइक स्टोन्स पे। स्टोन कितना हार्ड होता है? मेटल पे। तो इस तरह की जो हार्ड सर्फेसेस होते हैं उन पे हम राइटिंग, उन पे हम चीजों को लिखते हैं, है ना। तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, है ना। तो इसके साथ क्या होता है कि विल यू बी एबल टू राइट ऑन दिस स्टोन विथ योर हैंड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब हम स्टोन पे लिखेंगे या मेटल पे लिखेंगे तो हमको किसी टूल से लिखना पड़ता है, जो एक पॉइंटेड टूल होगा उसको जैसे हैमर है उससे उस पर जब हम मारेंगे तो फिर धीरे 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 काफी एक लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस होता था। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। और कई बार होता था जैसे कुछ किंग है उनको कोई ऑर्डर देना है जिसको कि सारे लोगों को जानना चाहिए, सारे लोगों को उसे अबाइड करना है, मानना है। तो जब किंग को इस तरह के कुछ ऑर्डर देने होते थे सो दैट ऑल द पीपल शुड नो अबाउट दीज ऑर्डर्स, तो किंग क्या करते थे, इस तरह से इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। ओके, सो द किंग वॉन्टेड कि एवरी वन शुड नो द हिज ऑर्डर्स एंड एवरी वन शुड ओबे हिज ऑर्डर्स। तो फॉर दैट पर्पज द किंग्स यूज टू inscribe their orders, but there were other reasons as well, like many times what happened that men and women recorded their whatever they did, like men and women mein mostly jo kings hote the, jo queens hote the, wo apne bare mein unhone jo kiya, jaise ki koi battle fight kiya unhone, us battle ko win kiya, to uske bare mein wo usme likhte the, hai na. To they recorded what they did, जैसे जो भी विक्ट्रीज उन्हें बैटल्स में मिल रहे हैं वो सारी चीजों को इंस्क्रिप्शन में लिखते थे, ताकि जब हमने इंस्क्रिप्शंस में चीजों को लिख दिया तो क्या हो गया कि दे आर फॉर एवर, क्योंकि हमने स्टोन पे लिखा है, हमने मेटल पे लिखा है, जो कि उसमें तो इंसेक्ट्स उसको नहीं खा सकते, है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो जैसा था वैसा ही पड़ा रहता है और बहुत लंबे समय तक जो आने वाले जो जनरेशंस हैं वो उनको देख पाती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। जहां पर हम देख रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उसमें
इंसेक्ट्स लग जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहीं पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके साथ ऐसी बात नहीं होती, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर प्रिजर्व, वो बने रहते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो ऐसे हार्ड सर्फेस पे लिखे गए हैं, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस, ये अच्छी बात है इंस्क्रिप्शंस के साथ कि एक बार जो उसमें लिख दिया गया दैट इज फॉर एवर। तो इसलिए जो किंग्स होते थे वो जानबूझकर इस तरह की जो उनके ऑर्डर्स होते थे, जो उनके बैटल्स होते थे, उसको वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को बताते थे ताकि वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर सोर्स थ्रू विच वी नो अबाउट द पास्ट, एंड दैट इज द थिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स that were made and used in the past. These things and objects are also a very great source of knowing about the history, hai na. To things and objects that were made and used in the past, things and objects that were made and used in the past. ठीक है, तो जो चीजें लोग बनाते थे, जिन चीजों को लोग यूज करते थे पास्ट में, वो चीजें भी अभी तक अगर हम अंदर डिग करेंगे ना अर्थ के अंदर, हर जगह नहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, जहां उनका सेटलमेंट होता था, जहां पर वो रहते थे अर्ली पीपल, उस उन जगहों को अगर हम डिग करेंगे ना, तो वहां पर हमें उनके उन्होंने जो भी चीजें यूज की है, बनाई है, वो चीजें हमें मिलती हैं अभी। तो ये काम कौन करता है, हु डज दिस, डिग करने का, उन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने का कि जो लोग यूज करते थे, है ना, उन ऑब्जेक्ट्स को खोजना, फिर उन ऑब्जेक्ट्स, वो जो ऑब्जेक्ट्स जब हमें मिलते हैं तो फिर उनसे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें पास्ट लाइफ के बारे में मिलती है। तो ये काम कौन करता है, हु डू दिस, कौन करते हैं, कौन लोग हैं जो अर्थ के अंदर डिग करके पास्ट में बनी हुई और यूज की हुई थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम क्या करते कहते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, दीज आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे जब पीपल यूज टू लिव इन एंशियंट टाइम, देर वर सो मेनी बिल्डिंग्स, है ना, वो बिल्डिंग्स बनाते थे, तरह तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे, वो सब जो स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स थे, एक्चुअली दे आर बिहाइंड द प्रेजेंट लेवल ऑफ ग्राउंड। आज हम जिस लेवल पे रह रहे हैं, है ना, आज हम जिस लेवल पे रह रहे हैं, यहाँ पर इंसान रह रहा है, पेड़ पौधे, एवरीथिंग इज हियर, मकान है, सब कुछ है यहाँ पर, अगर इसके अंदर हम डिग करते हैं तो पता चलता है, अगर वहां पर कोई सेटलमेंट था तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं, जो लोग पॉट्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैंस यूज कर रहे हैं, वेपन्स यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, क्वाइंस हैं, सो मेनी थिंग्स विच वर बीइंग यूज्ड बाय द पीपल, वो हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उसको खोजते हैं और फिर उसके बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलाते हैं, वो इंफॉर्मेशन उन्हें उसके बारे में मिलती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे टूल्स ही हैं, स्टोन के बने हुए टूल्स हैं, तो स्टोन के बने हुए टूल्स क्या हैं, वो प्रिजर्व रहेंगे, चाहे कितने भी हजार साल बाद हम उनको डिग करके निकालेंगे, वो वैसे ही पड़े रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आता है, है ना। ऐसे ही जैसे कि बेक्ड क्ले से बना हुआ या मेटल से बना हुआ, बोन से बना बनी हुई जो ऑब्जेक्ट्स होते, वो भी हमें वैसे ही मिलते हैं जैसे कि वो पहले थे। तो इससे क्या होता है कि इन चीजों से हमें बहुत सारे बातों के बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री, फर्स्ट
फर्स्ट सेकेंड इट्स नॉट एनीथिंग लाइक दैट, ऑर्डर नहीं है, इंस्क्रिप्शंस है, मैनुस्क्रिप्ट्स है, देन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट एंड दीज थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड बाय द पीपल हु आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, एंड नाउ वी विल सी. एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि वो बोन्स को भी देखते हैं, बोन्स हमारे वो भी सही रहते हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो बोन्स जो हैं, जैसे एनिमल्स के बोन हैं, बर्ड्स के बोन हैं, फिश के बोन हैं, इन सब की भी वो स्टडी करते हैं. एंड बाई दिस स्टडी दे नो अबाउट वॉट पीपल एज इन द पास्ट, है ना. बोन्स मिल रहे हैं, अगर बोन्स पे हमें कट मार्क्स मिल रहा है, सपोज कोई एनिमल का बोन है और उस एनिमल के बोन पे कट मार्क्स है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी हंटिंग हुई थी. इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो लोग रहते थे दे वर हंटर्स, तो वो बहुत पुराने समय के लोग थे क्योंकि हंटिंग वो कर रहे हैं, है ना. तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी बातों के बारे में पता लगाते हैं. और जो प्लांट, जैसे बोन्स तो हमें प्रिजर्व फॉर्म में, मतलब बोन्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बोन्स हमें सही से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट रिमेन्स को देखें तो प्लांट रिमेन्स सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट रिमेन्स जो भी होगा वो तो बायोडिग्रेडेबल में होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, इट विल मिक्स विद द सॉइल, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट प्लांट रिमेन्स. तो ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे ग्रेन्स के सीड्स हैं या वुड के पीसेज हैं, वो अगर जल गए, बर्न हो गए, तो क्या होता है ना कि वो चैड फॉर्म में, जले हुए फॉर्म में वो सर्वाइव कर जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं सर्वाइव करते. लेकिन वो जल गए हैं तो क्या होगा, उनका पूरा मॉइस्ट खत्म हो गया, अब वो सर्वाइव कर जाते. तो फिर उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है. कई बार पीसेस ऑफ क्लोथ्स भी मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये भी हमारे इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, है ना. तो इस तरह से चीज़ें होती हैं. अब हम क्या देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इस तरह के जो डिफरेंट सोर्सेज जिसकी हमने बात की, इन सारे सोर्सेज से वो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, पास्ट के बारे में पता करते हैं, है ना. और कई बार होता है एक सोर्स से उन्हें कुछ जानकारी मिलती है, दूसरे सोर्स से कुछ जानकारी मिलती है, फिर वो क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं ये इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करके, तब वो सोचते हैं कि कैसे चीजें हुई होंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे हिस्ट्री के बुक में, कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं कहेंगे बट ऐसा कई बार होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके बारे में कहा जाता है कि ये 100% श्योर नहीं है. ऐसा हिस्टोरियंस का गैस है, दे आर गैसिंग, दे आर, उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरह से चीजें हुई होंगी, क्योंकि कुछ भी उनके सामने तो नहीं हुआ. दे आर हिस्टोरियंस, दे आर जस्ट एनालाइजिंग द सोर्सेज, है ना. दे आर नॉट समवन हु विटनेस्ड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. वो तो डिफरेंट सोर्सेज को कनेक्ट करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे डिटेक्टिव होते हैं, है ना. एक सीरियल आता था ना, CID, क्राइम वाला होता था, कुछ क्राइम हुआ है. अब जो CID के ऑफिसर्स हैं वो क्या करते थे, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, है ना, जहां पर भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी जगह हैं, जो भी लोग हैं, उनसे बातचीत करके चीजों को जमा करते हैं एज एविडेंस, और फिर वो एक लिंक बनाते हैं कि इस पहले ये हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर वैसे हुआ होगा. इस तरह से एक लिंक करते हैं डिफरेंट एविडेंसेस को जोड़ करके, और ये अनुमान लगाते हैं कि किसने क्राइम किया होगा. दो तीन लोगों पे उनका जो शक है वो जाता है ना, ऐसा होता है नॉर्मली, हम लोग देखते थे. तो दो तीन लोगों पे उनका शक जाता है, फिर वो उसमें देखते हैं कि अब इनमें से किसने किया होगा. तो जैसे एक डिटेक्टिव काम करता है ना, कि कैसे चीजों को जोड़ जोड़ के एक स्टोरी बनाता है ना, उसी तरह से इन द सिमिलर वे जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो भी ऐसे ही काम करते हैं. जो डिफरेंट सोर्सेज से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है पास्ट की, उसको वो एक दूसरे से लिंकअप करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, और फिर उनको लगता है कि चीजें किस तरह से हुई होंगी, उसको वो बताते हैं. इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें 100% वो
सही नहीं हो, सकता है कुछ और भी तरीके से हुआ हो, बट उन्हें इसी बात का अंदाजा है कि चीज़ें ऐसी ही हुई होंगी मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज द रीज़न देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द हिस्टोरियंस. जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके बीच में ओपिनियन का फ़र्क हो जाता है. कुछ किसी एक हिस्टोरियन ने डिफरेंट टाइप से चीज़ों को कनेक्ट किया, किसी एक ने डिफरेंट टाइप से कनेक्ट किया, तो इस कारण उनके बीच में कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, है ना. तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है. दे वर्क जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, है ना, और हर क्लू को, हर एविडेंस को जोड़ करके वो देखते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें कैसे हुई होंगी. तो अब आज के लिए हम लोगों की क्लास ओवर होती है, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे.